स्टार्ट हम करेंगे इनकम स्टेटमेंट से। और इनकम स्टेटमेंट किसके बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए, जिससे हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चल जाती है। अच्छा, आप ये बताएं, अभी कॉपी एक साथ कर लीजिएगा। हाँ, कॉपी एक साथ कीजिएगा, समझ है मेरे। हमजा बातें नहीं देते। अच्छा, अब प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट तो हम बनाएंगे कुछ देर में। अगर फर्ज करें कि हमें अकाउंटिंग नहीं आती, अगर एक बंदा है जो बिजनेस कर रहा है, अकाउंटिंग नहीं आती उसे, अब उसे अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेगा? अगर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना नहीं आता, प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट, अकाउंटिंग नहीं आती, और आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस किस तरह कैलकुलेट करेंगे? सेल एक्सपेंसेस, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस कर देंगे। सेल क्या होती है? इनकम ना। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा ना। इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट हो जाएगा, और इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस को लिख लेते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो आपके पास प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। एक चीज और है, देखिए अब एक चीज और यहाँ पर आते हैं, जरा ट्रेडिंग बिजनेस की बात करते हैं। अच्छा, एक होता है आपका सर्विस प्रोवाइडर, एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस प्रोवाइडर में क्या डिफरेंस होता है? कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, इनकम आ जाती है आपके पास, और एक्सपेंस आपके पे होते रहते हैं ना। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, पहले आप गुड्स बाय करते हैं, उस पर एक आपकी कॉस्ट आती है, फिर वो गुड्स आप सोल्ड करते हैं, तो आपको रेवेन्यू मिलता है ना, और एक्सपेंस जो है वो तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस में फिर तीन चीजें आ जाएंगी ना, एक आपकी इनकम हो गई, दूसरे आपकी कॉस्ट हो गई, तीसरे आपकी एक्सपेंस। ठीक है, तो जब हम ट्रेडिंग बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो उससे फिर तीन चीजें रहेंगी, इनकम, कॉस्ट आपकी, और एक्सपेंस। फिर इनकम में से कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो ट्रेडिंग बिजनेस का जो प्रॉफिट लॉस है वो हम कैलकुलेट करते हैं दो स्टेप में। पहले हम क्या करेंगे कि इनकम में से अपनी कॉस्ट माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे। जैसे आपने एक प्रोडक्ट खरीदी 500 रुपीज की, 600 में आपने सोल्ड कर दी, तो 600 क्या हो गया आपकी इनकम। 500 ये मार्कर है, पर्स कर, ये आपने खरीदा 100 रुपीज का, 150 में सोल्ड किया, तो 150 क्या है इनकम हो गई, और 100 आपकी कॉस्ट हो गई। तो ट्रेडिंग बिजनेस का जो प्रॉफिट लॉस है वो दो स्टेप में कैलकुलेट होगा। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकम में से कॉस्ट माइनस करेंगे, इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आप ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट या। तो ट्रेडिंग बिजनेस का प्रॉफिट लॉस दो स्टेप में कैलकुलेट, और हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वो ट्रेडिंग बिजनेस का ही बनाएंगे। अच्छा, अब यही दो इक्वेशन हैं जिन्हें अगर एक प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लें, तो वो बन जाता है आपका इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन दो इक्वेशंस पर बेस करिए। यहां तक कॉपी कर लें, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो जब ट्रायल बैलेंस, मैंने इसके दो पर्पस आपको बताए थे, ट्रायल बैलेंस के दो पर्पस। पहला क्या था कि ट्रायल बैलेंस बनाकर हम लेजर्स की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। सेकंड पर्पस उसका होता है कि ट्रायल बैलेंस हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प करता है। हेल्प कैसे करेगा कि तमाम बैलेंस एक साथ एक जगह आ गए हमारे पास, तमाम बैलेंस हमने लिस्ट डाउन कर लिए, तो वहीं से देखते हुए फिर हम उसको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कॉपी कर ले, तो बार बार हमें लेजर में बैलेंस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस को देखते हुए। अच्छा, अभी आपने कई क्वेश्चंस के ट्रायल बैलेंस बनाए, तो उसमें आपने सेल्स रिकॉर्ड की, ट्रायल बैलेंस में सेल्स का बैलेंस लिखा था, वो तो हो गई आपकी इनकम। उसके बाद उसमें आपने एक्सपेंसेस लिखे, एक्सपेंसेस के बैलेंस, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इसी ट्रायल बैलेंस में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस लिखा? नहीं,
किसी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आए ना, रिटर्न तो वैसे ही पहली बार पढ़ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होती। फाइल बंद करें अपना, हमजा बंद कर दें। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस को देखते हुए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस में आपको इनकम गिवन होगी सेल्स के नाम से, एक्सपेंसेस गिवन होंगे सारे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होती, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ती। हर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कैलकुलेट करना होगा। तो पहले मैं आपको इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन समझा देता हूँ किस तरह कैलकुलेट होती है, उसके बाद फिर हम बनाएंगे अपना एक कंप्लीट इनकम स्टेट। तो पहले मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। तीन एग्जाम्पल्स हैं, इसमें मैंने स्टेप वाइज चीजें ऐड की है, तो वन बाय वन तो समझ लेते। जब सपोज कर रहे हैं पहला साल है बिजनेस का, ईयर वन। ईयर वन में हमने गुड्स परचेज की टोटल 10,000, पूरे साल में हमने 10,000 की गुड्स परचेज की। अच्छा, और सेल करते रहे। ईयर एंड हुआ तो ईयर एंड पर 2,000 की गुड्स बच गए, 10,000 में से 2,000 की गुड्स बच गए, बाकी कहाँ गई? सोल्ड हो गए। कितने की सोल्ड हुई? 8,000 की गुड्स हमने सोल्ड कर दी, तो वो 8,000 बन जाएगी हमारी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कितने की गुड्स सोल्ड हुई? 8,000 की, तो 8,000 को आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो इक्वेशन क्या बनेगी, जिस तरह देखा अब ये लिखा हुआ है COGS, फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एट एंड। परचेज में से इन्वेंट्री एट एंड माइनस कर दिए तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये तीन एग्जाम्पल है, तीनों मैंने एक एक करके कुछ चीजें ऐड की है समझाने के लिए। अब ईयर टू पर आते हैं। अब ईयर वन के एंड पर स्टॉक कितना था? जब ईयर टू स्टार्ट होगा, ईयर टू के स्टार्ट पे स्टॉक कितना होगा? 2,000। हमजा पढ़ने दो। अच्छा, ईयर टू स्टार्ट हुआ, स्टार्ट पे स्टॉक कितना है? 2,000 आपके पास। ठीक है, पिछले साल वाला नेक्स्ट ईयर में आ गया ना। अच्छा, ईयर टू में हमने गुड्स परचेज की 15,000 की, और अब इसमें से कुछ फॉल्टी गुड्स थी जो हमने सप्लायर को वापस कर दी, तो परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी होता है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। और इसके बाद फिर ईयर एंड पर स्टॉक बच गया 1,500 का। अब कितनी गुड्स सोल्ड हुई, कितने की गुड्स सोल्ड हुई, तो आप क्या कैलकुलेशन होगी? स्टॉक एट स्टार्ट प्लस परचेज 70 माइनस परचेज रिटर्न 16 माइनस इन्वेंट्री एट एंड 14,500 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी ना। तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, कुछ इस तरह लिखा जाएगा, इन्वेंट्री एट स्टार्ट प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस इन्वेंट्री एट एंड, आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां तक कॉपी कर लें, फिर एक एग्जांपल और है। अच्छा, ईयर टू के एंड पर स्टॉक कितना बचा? 1,500। तो ईयर थ्री के स्टार्ट पे स्टॉक कितना होगा? 1,500 का। ठीक, अब ईयर थ्री में हमने गुड्स परचेज की कितने? 20,000 की। अच्छा, अब एक चीज और है, यहाँ पर एक चीज और ऐड होगी। ठीक है, जब हम गुड्स बाय करके लाते हैं तो किसी गाड़ी में लाएंगे ना, रिक्शा टैक्सी सुजुकी या ट्रक में लेकर आएंगे, तो उस पर हमें ट्रांसपोर्टेशन पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी ना। ठीक है, अच्छा, अब हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे कितने की? 2,000। अच्छा, इसके लिए दो टर्म यूज होती है, ट्रांसपोर्टेशन इन या कैरेज इन वर्ड। गुड्स खरीद के ला रहे हैं तो किसी गाड़ी में लाएंगे, सुजुकी ट्रक में, ट्रांसपोर्टेशन पे किया आपने। अच्छा, इसके बाद रिटर्न किया हमने, रिटर्न हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एंड पे स्टॉक कितना बच गया? 2,500 का। अब बताएं कितना स्टॉक सेल हुआ? ठीक है, अच्छा, देखिए स्टार्ट पे स्टॉक कितना था? 1,500।
गुड्स बाय किए हमने, परचेजेस ऐड हो जाएंगी, तो टोटल हो गया 21,500। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हमने पे किया, अच्छा इसका क्या करें, ट्रांसपोर्टेशन का माइनस प्लस या अलग से एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा या इग्नोर बता, माइनस माइनस प्लस या इग्नोर, माइनस क्यों करें, पे कर दिया तो एक्सपेंस तो आपका बढ़ गया ना, एक्सपेंस तो इंक्रीज हुए ना, परचेज में ऐड करें या परचेज से लेस करें या इग्नोर करें, इग्नोर प्लस करें माइनस करें, माइनस तो नहीं होगा, माइनस तो नहीं होगा, अच्छा ठीक प्लस होगा, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए हम गुड्स खरीद के ला रहे हैं, गुड्स खरीद के लाए, एक सुजुकी में लेकर आए, ट्रांसपोर्टेशन पे किया, तो अब उसकी वो कॉस्ट बढ़ गई ना उसकी। जैसे फर्स्ट करें आपने घर के लिए कोई फर्नीचर खरीदा, मार्केट गए, शॉप से आपने फर्नीचर लिया सपोज 50,000 का, सुजुकी में लोड करवाया, घर लेकर आए, सुजुकी वाले को आपने दिए सपोज 5,000। उसके बाद आपका फ्लैट था ऊपर, आपने एक लेबर लेकर आया, उसने आपका फर्नीचर फ्लैट तक पहुंचाया, आपके घर पहुंचा दिया। अब आपका एक दोस्त आया, वो आपसे पूछता भैया फर्नीचर कितने का लिया, तो आप क्या बताएंगे, 50,000 का खरीदा, 5,000 ट्रांसपोर्टेशन, 2,000 लेबर, तो 57 का पड़ गया। तो जितने का पड़ेगा वही आपकी टोटल कॉस्ट होगी ना, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऐड होगी ना। ये 20,000 की गुड्स खरीदी, 2,000 हमने ट्रांसपोर्टेशन पे किया, तो ये गुड्स कितने की पड़ गई हमें, 22,000 की पड़ गई। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई, 22,000, ट्रांसपोर्टेशन हमेशा ऐड होगी। उसके बाद परचेज रिटर्न माइनस करेंगे और इन्वेंट्री एट एंड माइनस कर देंगे ना। अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, इन्वेंट्री एट स्टार्ट प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ट माइनस परचेज रिटर्न माइनस इन्वेंट्री एट एंड, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लास्ट में क्लियर, ओके, तो ये कॉपी कर लें, इसके बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम बनाएंगे। ओके तो क्वेश्चन नंबर वन, ये ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, इसको देखते हुए हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अच्छा ये इक्वेशन ध्यान में रखिएगा, इन इक्वेशंस को हम फॉलो करते हुए बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा, पहले इसमें ऊपर हेडिंग्स आ जाएंगी। अच्छा ये ऊपर हेडिंग्स आ जाएंगी, कंपनी नेम आ गया, एम ओ और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये ईयर एंड की डेट आ जाएगी, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31। अच्छा इसमें दो कॉलम बनेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड पर दो कॉलम है ना। हाँ अच्छा ये दो कॉलम है, ये सिर्फ दो कॉलम्स हैं, डेबिट क्रेडिट नहीं है। तो जनरल जनरल हमने दो कॉलम बनाए थे, याद होगा ना, जनरल जनरल, तो वो तो कॉलम से डेबिट और क्रेडिट। अब ये जो दो कॉलम्स हैं ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये सिर्फ दो कॉलम है, ठीक है, एक आउटर कॉलम और एक इनर कॉलम। आउटर कॉलम में हम फाइनल वैल्यूज लिखेंगे, बाकी जो वर्किंग होगी वो इनर कॉलम में करेंगे, इनर कॉलम वर्किंग के लिए और आउटर कॉलम फाइनल आंसर्स के लिए, ठीक है। अच्छा आप इधर आ जाएं, ठीक। अब ये दो इक्वेशन है ट्रेडिंग बिजनेस वाली, इनको फॉलो करते हुए बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनकम, इनकम, ठीक है। तो अब इसमें ट्रायल बैलेंस में इनकम कितनी दी हुई है, तो ये लिखिए मैं सेल्स आपके पास 2,05,000, ठीक। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सेल 2,05,000, सेल्स हमारी इनकम हो गई, क्या होगी कुछ नहीं, फाइनल वैल्यूज इधर, वर्किंग इधर।
अच्छा सेल्स आ गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब सेल्स में से माइनस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं होती, या हमें कैलकुलेट करना होगी, फाइंड करना होगी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड क्या कौन कौन सी वैल्यूज है, हम यहाँ परचेजर में हैं, परचेज के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। ये जो हमने अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की इक्वेशन लिखी है, जिसमें देखिए क्या क्या चीजें आ रही हैं, लास्ट वाली देखते हैं, इसमें देखिए क्या क्या था, इन्वेंट्री एट स्टार्ट, परचेज, कैरेज इनवर्ड, परचेज रिटर्न, इन्वेंट्री एट एंड, ये मतलब मैक्सिमम आइटम्स है जो उसकी कैलकुलेशन में आते हैं ना। अब इसमें क्या किया मैंने, क्वेश्चन में परचेज दी और ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के एंड में देखें, ट्रायल बैलेंस के बाद यहाँ लास्ट में लिखा हुआ स्टॉक है 31 दिसंबर वॉज 15,600, तो ये हो जाएगा कि इन्वेंट्री एट एंड, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो दो चीजें दी हुई सर, तो अब पहले वाली इक्वेशन पर आएंगे, अभी दो वैल्यूज गिवन है सिर्फ परचेज और इन्वेंट्री, तो आप क्या करेंगे, परचेज में से इन्वेंट्री एट एंड माइनस करेंगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अब यहाँ लिख लेते हैं, सब हमें ये कैलकुलेशन करनी है, तो इसको हम लिखेंगे इनर कॉलम। पहले लिख लेते हैं परचेज कितनी है, परचेज आ गई 1,20,800, यहाँ मैंने लिखा हुआ लेस, लेस का मतलब माइनस, ठीक है। अब परचेजेस है, परचेजेस से हम माइनस करेंगे इन्वेंट्री एट एंड 15,600 माइनस करते हैं, तो आपके पास माइनस करने के बाद आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसे हम लिख लेंगे आउटर कॉलम। ये वर्किंग हमने इनर कॉलम में कर ली, फाइनल आंसर आउटर कॉलम। आप क्या करना है, इनकम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो इनकम यानी कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गई, नहीं इधर आ, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, आप इसमें देखें, आपके पास एक हेडिंग पहले हम डाल देंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ट्रायल बैलेंस में देखते हैं एक्सपेंसेस कौन कौन से गिवन है। हाँ, एक्सपेंस मैं वोटर एक्सपेंस, रेंट, स्टूडेंट, लर्नर एक्सपेंस और बल्ब, प्रीमिसेस तो बिल्डिंग को कहते हैं, बिल्डिंग आपका एसेट होता है, तो वोटर एक्सपेंस से लेकर जनरल एक्सपेंस तक ये एक्सपेंसेस हो गए। अब इसको हम लिखेंगे, इनको पहले हम लिख लेंगे इनर कॉलम, एक्सपेंस थोड़ी होती है, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते, ये मोटर एक्सपेंस, रेंट, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंस। अब इन एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे और टोटल करके लिख लेंगे आउटर कॉलम। ये आउटर कॉलम में टोटल एक्सपेंस आ गए 63,370। अब क्या कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 31,930, यह आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पर ही इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, सिंपल कॉपी कर लें। पता नहीं क्वेश्चन नंबर 1, अब इसके हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ओके कॉपी कर रहे हैं। बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चलता है, आपकी परफॉर्मेंस
और बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, फाइनेंशियली आपका बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग या वीक। अच्छा, बैलेंस शीट जो है वो बेस करेगी अकाउंटिंग इक्वेशन पर। बैलेंस शीट बेस करती है अकाउंटिंग इक्वेशन पे, एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटीज आएंगे, इक्विटी कैपिटल। हाँ, होती इक्विटी में कैपिटल भी आ जाती है, पेज की आ जाती है। नहीं, इसमें दो ही है, इनकम और एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। बैलेंस शीट में एसेट, इक्विटी और लाइबिलिटी, यानी कि दो हेड्स आपके जो है वो इनकम स्टेटमेंट से बिलोंग करते हैं, तीन हेड्स आपके बैलेंस शीट से बिलोंग। जी, यही सीक्वेंस होता है पूरा। जिस सीक्वेंस में पढ़ा वही सीक्वेंस फॉलो होता है। जनरल जनरल, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस। अब ऐसा नहीं हो सकता बैलेंस शीट पहले बना लें, ट्रायल बैलेंस बाद में बनाए, फिर इनकम, ऐसा कुछ। ये सीक्वेंस होता है इसी का। क्या आखिरी मतलब? हाँ, अभी तो और भी बहुत कुछ है। क्या हो गया? ये तो ग्रुप जो की आपकी बेसिक्स चल रही है, असल टॉपिक सब बाकी है मिसाल, बल्कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है जी। ये तो कुछ भी नहीं पढ़ा अभी आपने। ये कॉपी कर लिया। अब हमारी, हाँ, अकाउंटिंग बैलेंस शीट बेस करेगी किस पर? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो पहले हम लिखते हैं एसेट्स, फिर इक्विटी और उसके बाद लाइबिलिटी। अच्छा, इंटर कॉमर्स में आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई होगी। अच्छा, वहां फॉर्मेट थोड़ा चेंज था, यहाँ फॉर्मेट चेंज होगा। वहां आप लोग बनाते हैं अकाउंट फॉर्म में ना, एक साइड पे आप लोग लिखते हैं एसेट्स, दूसरी साइड पे आप लिखते हैं इक्विटी और लाइबिलिटी। अब ये यहाँ पर हम बनाएंगे स्टेटमेंट फॉर्म, जिसमें एक साथ चीजें आ जाएंगी, एसेट्स और इक्विटी, उसी के नीचे लाइबिलिटी। तो फॉर्मेट का फर्क है, बाकी करना वही सर। और क्या एक बैलेंस शीट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स होते हैं दो टाइप्स के, करंट और नॉन करंट। पहले हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स और उसके बाद करंट एसेट्स आएंगे। अब इसमें बताएं नॉन करंट एसेट कौन कौन से है। इसमें नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, प्रीमिसेस, मोटर व्हीकल, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट होता है, करंट होता है। दो नॉन करंट है, प्रीमिसेस और मोटर व्हीकल। अच्छा, बैलेंस शीट, ये यहाँ भी दो कॉलम होंगे, वही इनर कॉलम आउटर कॉलम, ठीक है। हाँ, इसमें भी दो कॉलम होंगे, पहले ये इनर कॉलम में लिख लेते हैं और टोटल करके आउटर कॉलम में कॉपी करते हैं। अच्छा, ये हो गए नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स, अब इसमें करंट एसेट बताएं कौन कौन से हैं। कैसे में अकाउंट रिसीवेबल, कैश एट बैंक। तो ट्रायल बैलेंस में तीन करंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन है। अच्छा, इसके बाद लास्ट में एक लाइन है इन्वेंट्री, स्टॉक दिया हुआ है। ये भी आपका करंट एसेट होता है ना, क्लोथिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, ये भी आपका करंट एसेट। तो चार करंट एसेट हो गए, रिसीवेबल्स, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड और इन्वेंट्री। नहीं, परचेज एसेट नहीं होता, परचेज की नेचर एक्सपेंस होती है, स्टॉक की नेचर एसेट होती है, इन्वेंट्री। ओके, ये लिख लेते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक। के बाद नॉन रिसीवेबल, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, ये आपके करंट एसेट हो गए। और इनका टोटल करके लिख लेंगे आउटर कॉलम, टोटल करंट एसेट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, नॉन करंट और करंट एसेट्स को ऐड कर लेंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो हम नॉन करंट और करंट एसेट्स को ऐड करेंगे, टोटल एसेट्स हो गया 172,200। यहां तक कॉपी कर लें, फिर इसे कंप्लीट करते हैं। तो
एसेट्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद इसी के नीचे नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी, ओनर्स इक्विटी। नहीं, उसी के नीचे, उसी के नीचे नेक्स्ट लाइन पे हेडिंग डाल दें, ओनर्स इक्विटी। कोई कंटेन नहीं होगा जैसे कि नीचे। अच्छा, ओनर्स इक्विटी के मीनिंग क्या होते हैं? ओनर्स इक्विटी मीन्स होता है ओनर्स शेयर इन बिजनेस, ओनर्स शेयर इन बिजनेस। अच्छा, ओनर का शेयर क्या होता है बिजनेस में? ओनर का कैपिटल होता है। ड्राइंग कौन करता है? ओनर करता है। प्रॉफिट किसे मिलता है? ओनर को मिलता है। इक्विटी में तीन चीजें आ जाएंगी, कैपिटल, प्रॉफिट और ड्राइंग। इसके सम को हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। अच्छा, इसमें कैपिटल कितना है? लास्ट में दिया हुआ 131.70। ठीक है, जब कैपिटल आ गया। अच्छा, प्रॉफिट किसे मिलता है? ओनर को मिलता है। अच्छा, ओनर चाहे तो प्रॉफिट निकाल सकता है बिजनेस से, और चाहे तो बिजनेस में लगा भी सकता है, इन्वेस्ट भी कर सकता है। तो अब अगर आप प्रॉफिट अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आपका कैपिटल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अब जो इसमें नेट प्रॉफिट हुआ था, अब वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन वन का इनकम स्टेटमेंट देखें, नेट प्रॉफिट कितना आया था? 31,930। अब वो जो हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, अब वो यहाँ पर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से हमें नेट प्रॉफिट मिला, वो हम कैपिटल में ऐड कर लेंगे। प्रॉफिट ऐड हो गया। अच्छा, अब इसमें ड्राइंग अगर है तो माइनस हो जाएंगी, तो ड्राइंग देख लेते हैं। ये नहीं, ड्राइंग कितनी है? 8,400। अच्छा, ड्राइंग्स का कैपिटल पे क्या इफेक्ट होता है? कैपिटल इंक्रीज होता है डिक्रीज? ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज होता है, तो इसलिए अब यहाँ ड्राइंग्स माइनस हो जाएगी। तो ड्राइंग्स हम कैपिटल से माइनस करेंगे, अब इन तीनों को एडजस्ट कर लेते हैं। टोटल आ जाएगा आपके पास 1,54,600। ये हो गई आपकी ओनर इक्विटी। ठीक है, ओनर इक्विटी आ गई। इसके बाद लाइबिलिटीज है। अच्छा, लाइबिलिटीज भी दो टाइप की होती है, करंट और नॉन करंट। तो पहले हम लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज और उसके बाद करंट लाइबिलिटी। आपने ये लेवल से पढ़ा होगा, फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता है। ठीक था, और कुछ जगहों पे वो पढ़ाते हैं एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू इक्विटी, वो भी फॉलो होता है, आपने यही पढ़ा है। अच्छा, इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज देख लें। नॉन करंट लाइबिलिटी कोई भी नहीं है फिलहाल। अकाउंट पेबल करंट होता है, नॉन करंट में नॉर्मली लोन आ जाता है ना, तो फिलहाल नॉन करंट लायबिलिटी नहीं दी। करंट पे आ जाए आप, करंट लायबिलिटी सिर्फ एक ही है यहाँ पर, अकाउंट पेबल और कोई लायबिलिटी नहीं है। तो उसको डायरेक्ट हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। आप इक्विटी और लायबिलिटी को ऐड करेंगे, उसका टोटल एसेट्स के इक्वल आना चाहिए ना, और ये टोटल कितना बन रहा है? 172,200 एसेट्स के इक्वल। तो इस तरह ये बैलेंस शीट हमारी चेक भी हो गई कि एसेट्स, और ये प्रूफ भी हो गया एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। कॉपी कर लें। हाँ, बस ऑफ करेंगे, कॉपी कर लें, इसके बाद ऑफ करते हैं और फिर